हमारे प्रदेश को और हमारे शाहजहांपुर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर चलेगा। हम ऐसे शख्स को वोट देंगे, ऐसी पार्टी को वोट देंगे, वो है समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। हम सिर्फ साइकिल वाला बटन देखेंगे, हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो हमको लड़ाकर गुमराह करते हैं, सिर्फ वोट दे लेते हैं, उसके बाद 4.5 साल मुड़कर नहीं देखते हैं। आपके जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनको दिन में ही 12 बजे फोन करके देख लीजिए, अगर आपका फोन उठा ले, आपके काम कर दे तो आप बताइएगा हमें। अगर कहीं शाहजहांपुर में कोई भी काम होता है, हमारे नौजवान साथी अगर बेगुनाह पकड़ लिए जाते हैं, चाहे वो किसी समाज, किसी वर्ग, किसी कास्ट के लोग हों, अगर उनकी गाड़ी पकड़ जाती है, अगर वो हमें फोन करते हैं तो बता दो हमने कब फोन नहीं उठाया। अगर फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक करी होगी, रात के 12 बजे कॉल बैक करी होगी अगर फोन आपने किया होगा। साथियों, इसलिए साथियों, हम कभी काम से, अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। समाजवादी लोग कभी किसी अन्याय के आगे झुकते नहीं है। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता, चाहे किसी समाज, किसी वर्ग का हो, अगर उसको कोई अधिकारी या पुलिस का कोई अधिकारी या पुलिस इंस्पेक्टर एसओ अगर उसको कोई बेवजह गुमराह परेशान करने की कोशिश करता है, उस पर फर्जी मुकदमा लिखने की कोशिश करता है, तो हम कभी पीछे नहीं हटे। थाने का घेराव भी हमने किया है, कप्तान का घेराव भी हमने किया है, आप लोगों के दम, आप लोगों की मेहनत से किया है। साथियों, हर सर, हर वर्ग, हर समाज, हमने कभी जात बिरादरी नहीं देखी, क्योंकि समाजवादी लोग जात बिरादरी ऊंच नीच नहीं देखते हैं। हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलने वाली है। हम उनके उनके नक्शे कदम पर हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे यही अनुरोध है कि 2022 में मिशन 2022 नहीं भूलना है और हमको इसी तरह से पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ लगना है। आज भले ही संख्या में हम कम हैं, लेकिन आज ये साथियों इतनी बड़ी संख्या है, अगर आप गांव गांव और शहर के मोहल्लों में चले जाएंगे और एक एक कार्यकर्ता 10-10 घरों की जिम्मेदारी ले लेगा, तो 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए आप सबसे साथियों मेरा अनुरोध है, आप सब लोग मेहनत करिए और एक एक वोट 2022 में आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक एक वोट साइकिल वाला बटन दबाकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दीजिए।